सावन का महीना आते ही दुनिया भर के भारतीय राखी का दिन जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। कोई भी रिश्तेदारी ना होने के बावजूद भी राखी से भाई बहन का बंधन निभाने का मौका मिलता है। राखी का इतिहास तो हमें महाभारत के युग से देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को श्रुति देवी नाम की एक चाची थी। उसने शिशुपाल नामक एक विकृत बच्चे को जन्म दिया था। बड़ों से पता चलता है कि जिसके स्पर्श से शिशुपाल स्वस्थ होगा उसी के हाथों वह मारा जाएगा। एक दिन श्री कृष्ण अपने चाची के घर आए थे और जैसे ही श्रुति देवी ने श्री कृष्ण के हाथों में अपने बेटे को रखा वह बच्चा सुंदर हो गया। माना कि श्रुति देवी यह बदलाव देखकर खुश हो गई, लेकिन उसकी मौत श्री कृष्ण के हाथों होने के संभावना से वह विचलित हो गई। वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। भले ही शिशुपाल कोई गलती कर बैठे, लेकिन उसको श्री कृष्ण के हाथों सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे वादा किया कि मैं उसकी गलतियों को माफ कर दूंगा, लेकिन वह अगर 100 से ज्यादा गलतियां कर बैठेगा तो मैं उसको जरूर सजा दूंगा। शिशुपाल बड़ा होकर चेदी नामक एक राज्य का राजा बन गया। वो एक राजा भी था और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी, लेकिन वो बहुत क्रूर राजा बन गया। अपने राज्य के लोगों को बहुत सताने लगा और बार बार भगवान श्री कृष्ण को चुनौती देने लगा। एक समय तो उसने भरी राज्यसभा में ही भगवान श्री कृष्ण की निंदा की और बस शिशुपाल ने उसी दिन 100 गलतियों की सीमा पार कर दी थी। तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का शिशुपाल के ऊपर प्रयोग किया। इसी तरह से बहुत चेतावनी मिलने के बाद भी शिशुपाल ने अपने गुण नहीं बदले और अंत में उसे अपनी सजा भुगतनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जब क्रोध में अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ रहे थे, उनकी उंगली में भी चोट लगी। भगवान श्री कृष्ण के आसपास के लोग उस घाव पे कुछ बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वहां पे खड़ी द्रौपदी कुछ सोचे समझे बिना अपनी साड़ी के कोने को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के घाव पर लपेटा। शुक्रिया प्यारी बहना, तुमने मेरे कष्ट में साथ दिया है तो मैं भी तुम्हारे कष्ट में साथ देने का वादा करता हूँ। ये कह के भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया था और इस घटना से रक्षाबंधन का प्रारंभ शुरू हुआ। बाद में जब कौरवों ने पूरी राज्यसभा के सामने द्रौपदी की साड़ी खींचकर जब उसका अपमान करने का प्रयास किया तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाकर अपना वादा पूरा किया था। उस समय से लेकर बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही है और बदले में भाई जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करने का आश्वासन देते आ रहे हैं। सावन मास की पूर्णिमा पर राखी के अलावा कुछ और त्योहार भी मनाए जाते हैं। कुछ लोग इसी दिन अपनी यज्ञोपवीत बदलते हैं, इसीलिए इस दिन को जंध्याला पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कुछ लोग राधा और कृष्ण की मूर्तियों को पालने में रखे झूला झुलाते हैं और इस दिन को झूलन पूर्णिमा कहते हैं। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में इस दिन पर गेहूं के बीज बोते हैं और इस दिन को कजरी पूर्णिमा के नाम से पहचाना जाता है। केरल और महाराष्ट्र के लोग इस दिन को नारली पूर्णिमा बुलाते हैं और वे समुद्र देवता की पूजा करते हैं। हालांकि इस दिन कई तरह के उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे लोकप्रिय और प्रमुख त्योहार होता है रक्षाबंधन।